Hey guys, this is Gulabsha Parveen. You are watching Alchemist Tutorial Daily Science Episode 4. आज भी हम अपना वीडियो एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ, जो कि है द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, द ऑप्टिमिस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टीज. तो हम लोगों को ऑप्टिमिस्ट बनना है, हम लोगों को आशावादी इंसान बनना है. हम लोग हर डिफ़िकल्टी में, चाहे जो भी डिफ़िकल्टी हो, उसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो आई होप आप लोग ऐसा करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट है, अ रोज़ इंस्पायर्स स्मार्ट वे टू कलेक्ट एंड प्योरीफाई वाटर. आई थिंक रोज़ के बारे में अभी तक हम लोग बस यही जानते थे कि रोज़ लव का एक आइकॉनिक सिंबल होता है. बट रोज़ से इंस्पायर होकर एक यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी डिवाइस को डेवलप किया जो वाटर को कलेक्ट और प्योरीफाई करती है. अब उसका स्ट्रक्चर सेम ऐसा है जैसे कि रोज़ का होता है, और उसको बनाने में 2 सेंट से भी कम का खर्च आया है. और ये जो डिवाइस है, ये पर आर पर स्क्वायर मीटर 1/2 गैलन से भी ज़्यादा वाटर को प्रोड्यूस करती है. इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उसने सोलर सिस्टम टेक्निक का यूज़ करके वाटर को प्योरीफाई करने का एक मेथड निकाला है. अब इस टेक्निक का क्या है, इस टेक्निक में सनलाइट से एनर्जी ली जाती है और वाटर में जो साल्ट होते हैं या अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको सेपरेट किया जाता है. नेक्स्ट है, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स में एक्सप्लेन निंडरथल एक्सटेंशन. अब निंडरथल के एक्सटेंशन को लेकर कई सारी हाइपोथेसिस आई, और सभी में इसका रीज़न डिसीज़ और क्लाइमेटिक चेंज को बताया गया. इसी ऑर्डर में एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने निंडरथल पॉपुलेशन मॉडल को रिप्रेजेंट किया और उसमें बताया कि 4000 से 10000 साल पहले इनकी पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो चुका है. रिसर्चर्स ने एक निंडरथल एक्सटेंशन मॉडल को डेमोग्राफिक पैरामीटर, जो कि सर्वाइवल, माइग्रेशन और फर्टिलिटी रेट था, उसको बेस्ड माना और ऑब्जर्व करके ये बताया कि जब इनकी पॉपुलेशन 5000 से नीचे हो गई थी तब ये एक्सटिंक्ट हो गए. नेक्स्ट है, अर्थ रिसाइकल्स ओशियन फ्लोर इनटू डायमंड्स. अब ये बहुत अनोखा फैक्ट है. देखिए, बहुत सारे जो डायमंड है उसमें हमें साल्ट के ट्रेसेस मिले हैं, जो हमें ये बताते हैं जो स्टोर का फॉर्मेशन होता है वो बहुत पुराने सीबेट्स का क्या मीन्स है, सीबेट्स का मीन्स है कि ओशियन फ्लोर से होता है. अब ऐसे ओशियन फ्लोर जो अर्थ क्रस्ट के बहुत नीचे दब जाते हैं, उनसे डायमंड का फॉर्मेशन होता है. और बहुत सारे डायमंड जो अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं उनका फॉर्मेशन ऐसा ही होता है, और जो दूसरे डायमंड होते हैं उनका फॉर्मेशन क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू. अननोन मिनी प्रोटीन्स इन द हार्ट. देखिए, एक इंटरनेशनल टीम है जिसमें 56 रिसर्चर्स थे, वो एग्ज़ामिन कर रहे थे. अब किसका एग्ज़ामिन कर रहे थे, हार्ट सेल में राइबोसोम, हार्ट सेल में जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन होती है, उसका एग्ज़ामिन कर रहे थे. अब प्रोटीन किससे प्रोड्यूस होती है, प्रोटीन जो है वो राइबोसोम से प्रोड्यूस होती है, उसका एग्ज़ामिन कर रहे थे. किस में एग्ज़ामिन कर रहे थे, हेल्दी पीपल और ऐसे पीपल जो हार्ट डिसीज से सफरिंग करते हैं, दोनों में उनका एग्ज़ामिन कर रहे थे. अब इस एग्ज़ामिन के दौरान उन्हें एक रिज़ल्ट मिला, और जो बहुत ही सरप्राइजिंग था, उसमें एक डिस्कवरी हुई कि हार्ट में बहुत सारे अ लार्ज नंबर ऑफ मिनी प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि अभी तक अननोन थे. लास्ट है, न्यू वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई डोज रेडिएशन डैमेज डिस्कवर. अब देखिए, रेडियोथेरेपी आपको पता ही है, रेडियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है कैंसर का, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जिससे कैंसर की जो सेल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो ट्यूमर होता है वो भी श्रिंक हो जाता है. और लगभग 50% तो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें जो ट्यूमर होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी में पाया जाता है. अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी लाइक लीवर, पैनक्रियास, कॉलन, प्रोस्टेट, ये सब में पाया जाता है, और ये सब रेडियोथेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट को रिसीव करते हैं. अब रेडियोथेरेपी में क्या होता है, इससे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो
ट्यूमर सेल को तो डैमेज करती है, उसके साथ साथ जो हेल्दी इंटेस्टाइनल सेल होती है उसके लिए टॉक्सिसिटी का काम कर देती है। 60% पेशेंट में उसमें टॉक्सिसिटी हो जाती है, और इससे क्या होता है, अप्रॉक्स 10% जो पेशेंट होते हैं उनमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिंड्रोम डिसीज़ आ जाती है। अब इस डिसीज़ में क्या होता है, इसमें इंटेस्टाइनल जो सेल होती है वो डेथ हो जाती है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो डेथ, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब यही है, इससे बचने के लिए कुछ वेज है, कुछ नए तरीके हैं, उनको डिस्कवर किया। आज हम आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आए हैं। देखिए, हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि हम आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे सके, तो इस वजह से हम लोग कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज है 4 जून, आज के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व किया जाता है। डेली बेसिस पर कोई ना कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है, तो हम लोगों ने ये सोचा आपको इस बारे में भी नॉलेज दे सके। और अगर आपको हम लोग का हार्ड वर्क दिखता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें। थैंक यू।